हेलो फ्रेंड्स, इमेजिन करो आपको टू पीस ऑफ लैंड दिया जाता है। दोनों लैंड में सेम सॉइल है, सेम हवा है, सेम फर्टिलाइजर है, सेम वाटर, सेम सन एनर्जी, एवरीथिंग इज सेम। मगर आपको बीज अलग दिए जाते हैं। आपको कहा जाता है एक लैंड पर नीम के बीज बोने हैं और दूसरे लैंड पर आम के बीज, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ऑफ कोर्स आपका आंसर यही होगा कि जहाँ आम के बीज बोए वहाँ आम का पेड़ होगा और मीठे मीठे फल मिलेंगे आम के, और जहां नीम के बीज बोए वहां नीम के कड़वे फल। अब इमेजिन करो इसी तरह का फर्टाइल लैंड है और वहां एक जगह आप बीज बोते हो फियर के, एजिटेशन के, टेंशन के, डिसऑनेस्टी के, डाउट के। दूसरी जगह आप बीज बोते हो पीस, लव, हार्मनी, अफेक्शन के। अब क्या होगा? सिंपल, जहां बीज बोए फियर, एंजाइटी, डाउट, हेट्रेट के, वहां वो ही मिलेगा, और जहां बीज बोए लव, हार्मनी, पीस, तो जाहिर है वहां वो ही रिजल्ट आएगा। लेकिन ये होता कैसे है? इसी को जेम्स एलन ने अपनी बुक एज ए मैन थिंकेड में समझाया है। 7 चैप्टर के 45 पेजेस का ये मास्टरपीस है, जो यही बताता है कि आपके थॉट्स, थिंकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपके जॉय और हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि ये थॉट्स बीज के तरह काम करते हैं। आप जैसा सोचते हो वैसा ही करते हो, और जैसा करते हो वैसा ही बन जाते हो। आइए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि ऑथर इसको कैसे अपनी बुक में क्लियर करते हैं। दोस्तों, इस बुक को समझने में मुझे 3-4 बार रीड करना पड़ा, क्योंकि इसमें बहुत गहरी बातें बताई गई हैं, और मैं इंश्योर करना चाहता था कि समरी में कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो जाए। इसलिए इस बुक की समरी को मैं 3 वीडियो में बताऊंगा, सो दैट आपको ये बुक प्लेन लैंग्वेज में समझ आ जाए। ये लिटिल वॉल्यूम जेम्स एलन के मेडिटेशन और एक्सपीरियंस का रिजल्ट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग इस ट्रूथ को डिस्कवर करें कि वी आर सेल्व्स आर मेकर्स ऑफ आर सेल्व्स। पहले चैप्टर में एलन बताते हैं कि कैसे हमारे थॉट्स हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। वो कहते हैं मन एक मास्टर व्यूअर है, जो हमारी अंदरूनी कैरेक्टर और बाहरी सरकमस्टांसेस को बुनता है। अपने विचारों को शुद्ध करके खुशी और शांति पा सकता है, या फिर अपनी अज्ञानता से दुखी भी हो सकता है। जैसे एक प्लांट एक बीज से ग्रो करता है और उसके बिना वो हो नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार एक इंसान अपने अंदर छुपे हुए विचारों के बीजों से पनपता है और उसके बिना वो नहीं हो सकता। हम जो काम करते हैं वो हमारे थॉट्स के फूल है, और जॉय एंड सफरिंग विचारों के फ्रूट्स। एक आदमी खुद की ही जमीन पर उपजे हुए मीठे और कड़वे फल का स्वामी है, क्योंकि हमारे थॉट्स ही हमें बनाते हैं। आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि एक व्यक्ति नोबल और गॉड लाइक है। हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं, मगर उनका ये कैरेक्टर बाय चांस नहीं होता, ना ही कोई उन्हें फेवर करता, मगर ये ऐसे व्यक्तियों का राइट थिंकिंग और कंटिन्यू एफर्ट का नेचुरल रिजल्ट है। आदमी खुद को बनाता है और बिगाड़ता है। अपने थॉट्स को यूज करके अपने आप को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और अपने लिए खुशी और संपदा के महल भी बना सकता है। जरूरत है तो बस अपने थॉट्स की राइट चॉइस और उनके ट्रू एप्लीकेशन की। जैसे सर्च करने से और माइनिंग करने से हमें गोल्ड और डायमंड प्राप्त होते हैं, वैसे ही हम हर सच्चाई या ट्रूथ को फाइंड कर सकते हैं जो हमारे बीइंग के साथ कनेक्टेड है। सेकेंड चैप्टर में एलन बताते हैं कि कैसे सरकमस्टांसेस पर थॉट्स का इफेक्ट पड़ता है। आपने नोटिस किया होगा एक गार्डन जहाँ एक माली उसकी रोज देखभाल करता है, उसकी अननेसेसरी निकली हुई झाड़ियाँ और वीड्स को समय समय पर काटता है और पानी खाद देकर उस गार्डन को इंटेलिजेंटली कल्टीवेट करके सुंदर बनाता है। अगर वो ये सब ना करे तो क्या होगा? यस, वो गार्डन जंगल की तरह बन जाएगा, उसमें बहुत सारे वीड्स काटे निकल आएंगे। ठीक उसी प्रकार आदमी का मन है, या तो उसे इंटेलिजेंटली कल्टीवेट कर ले या फिर उसे जंगली होने के लिए छोड़ दे। हम भारी सरकमस्टांसेस से तब तक प्रभावित रहते हैं जब तक हम खुद को भारी सरकमस्टांसेस का प्राणी मानते हैं। आपने नोटिस किया होगा कई बार कुछ लोग हमेशा यही बोलते रहते हैं, हमारी लाइफ में जो कुछ गलत हो रहा है उसका कारण बाहर की परिस्थितियां है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहते। लेकिन जब हमें पता चलता है कि हम रचनात्मक शक्ति, क्रिएटिव पावर्स हैं, तो हम अपनी हिडन सॉइल और सीड्स को अलाउ करके
विकसित करते हैं तो असल में हम खुद के मालिक बनते हैं दोस्तों। जिसे हम बाहरी सर्कमस्टांसेस कहते हैं ना, वो हमारी थॉट से ही ग्रो होते हैं। सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ प्यूरिफिकेशन से हम अपनी मेंटल कंडीशन को चेंज करने पर पाएंगे कि ऑटोमेटिकली बाहरी सर्कमस्टांसेस भी चेंज हो गए। एलन कहते हैं, इंसान है ना एंग्शियसली अपने सर्कमस्टांसेस को, मतलब बाहरी परिस्थितियों को चेंज करने में लगा रहता है, मगर खुद को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा अनविलिंग रहता है, जिससे जो सर्कमस्टांसेस है ना वो वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। एलन इसको हमें तीन केसेस के थ्रू समझाते हैं। पहले केस में एलन बताते हैं एक आदमी जो बहुत गरीब है और बहुत एंग्शियस है अपनी सराउंडिंग्स और अपने घर की परिस्थितियों को इम्प्रूव करने के लिए। ये सब उसकी लाइफ में हो रहा है, मगर फिर भी वो अपनी जॉब अच्छे से नहीं करता और अपने दिए हुए काम से किनारा करता है, और फिर खुद को जस्टिफाई करता रहता है कि मेरा बॉस मुझे कम सैलरी देता है इसलिए उसे धोखा देने में कोई बुराई नहीं। ऐसा आदमी उन नियमों को नहीं समझ पाता जो सच में उसकी समृद्धि और खुशी का आधार है। इसलिए फ्रेंड्स, ऐसा आदमी अपनी दरिद्रता और गरीबी से बाहर आने के लिए अनफिट होता है, बट एक्चुअली वो और ज़्यादा अपने दुखों में फंसता चला जाता है। दूसरे केस में एलन बताते हैं एक बहुत रिच मैन है जिसे हमेशा कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है, जिसकी वजह से वो हमेशा दुखी रहता है, मगर फिर भी वो अपनी ज़्यादा और गंदा खाने की आदतों को नहीं सुधारता। वो कभी भी अपने टेस्ट को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं होता। वो समझौता करता है अपने टेस्ट और फिटनेस में, जिसमें वो टेस्ट चूज करता है, और दूसरी तरफ हमेशा तैयार रहता है ढेर सारा पैसा अपने इलाज पे खर्च करने के लिए। इससे वो हमेशा अनफिट बना रहता है और बीमार रहता है। तो उसने हेल्दी लाइफ का पहला नियम ही नहीं सीखा। आगे एलन केस नंबर 3 में बताते हैं एक एम्प्लॉयर या बॉस ज़्यादा पैसा और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपनी बदमाशी और धूर्तपन से अपने एम्प्लॉयज की सैलरी रिड्यूस करता है। ऐसा व्यक्ति खुशी और संपदा के लिए पूरी तरह से अनफिट होता है, जिसके कारण वो बैंकरप्ट हो जाता है और उसका सारा ब्लेम सर्कमस्टांसेस को देता है। तो फ्रेंड्स, इन तीन एग्जाम्पल से एलन बताते हैं कि आदमी अक्सर बाहरी परिस्थितियों को ही ब्लेम करता है। आगे वो कहते हैं, आपने अपने आसपास नोटिस किया होगा या आपको कुछ जानकारी होगी कि कई बार ऑनेस्ट आदमी सफर करता है और डिसऑनेस्ट आदमी बहुत सारी वेल्थ को एक्वायर करता है। ये एजम्पशन या जजमेंट कि ऑनेस्ट आदमी हमेशा धार्मिक या वर्चुअस होता है और डिसऑनेस्ट आदमी हमेशा करप्ट, ये ऊपरी जजमेंट है। थोड़ा गहराई जाने पर जानेंगे कि जो डिसऑनेस्ट मैन है जिसे बहुत वेल्थ मिली है उसने कभी शायद एडमायरेबल वर्चू गेन किए हो, और वही एक ईमानदार व्यक्ति जो सफर कर रहा है उसने कभी वो वर्चू मिसिंग हो। एलन बताते हैं गुड थॉट्स एक्शन कभी भी बैड रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते, और बैड थॉट्स एंड एक्शन कभी भी गुड रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते। ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसमें आदमी को सफरिंग का सामना करना पड़ता है वो उसके ही मेंटल एटीट्यूड का रिजल्ट है, और ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसमें एक व्यक्ति को जॉय और हैप्पीनेस मिलती है वो भी उसी के मेंटल हार्मनी का आउटकम है। तो फ्रेंड्स, हम अपने थॉट्स को कभी सीक्रेट नहीं रख सकते, क्योंकि वो हमारी आदतों में क्रिस्टलाइज होते हैं और आदतें सर्कमस्टांसेस में प्रकट होती है। जैसे इम्प्योर थॉट्स हमारी शराब की आदतों में क्रिस्टलाइज होते हैं, जो आगे चलकर डिजीज और डेस्टिट्यूशन के सर्कमस्टांसेस क्रिएट करते हैं। ऐसे ही असमंजस, डर और संदेह का विचार क्रिस्टलाइज करता है वीक हैबिट्स को, जो फेलियर और डिपेंडेंसी का सर्कमस्टांसेस क्रिएट करती है। इसलिए हमारे गुड और इविल थॉट्स ही जिम्मेदार होते हैं हमारी लाइफ में हैप्पीनेस और सफरिंग के लिए। इसलिए ऐसे थॉट्स को हमें सीज करना चाहिए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो में दी गई समरी यूजफुल और हेल्पफुल लगी होगी। इस बुक की समरी का अगला पार्ट में अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हमारे थॉट्स का हमारी हेल्थ और बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है, और कैसे थॉट्स पर्पस के साथ लिंक्ड होते हैं। तब तक बने रहे अपने दोस्त के साथ। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर योर टाइम। दिस इज महेश साइनिंग ऑफ।